पिछले कुछ समय में टीम इंडिया में काफी बदलाव देखने को मिले हैं। यही वजह है आज हम आपको बताने वाले हैं उन 5 इंडियन खिलाड़ियों के नाम जिनका अब इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करना काफी मुश्किल हो चुका है। पहले हैं शिखर धवन। टीम इंडिया के धाकड़ ओपनर शिखर धवन ने करीब 1 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है। 37 साल के धवन ने आखिरी बार दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे मैच खेला था। धवन टेस्ट टीम में 5 साल और टी20 टीम में करीब 2.5 साल से बाहर हैं। इसी बीच शुभमन गिल बतौर ओपनर अपनी जगह टीम में पक्की कर चुके हैं और बैकअप में ईशान किशन, यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे युवा बल्लेबाज हैं। ऐसे में अब शिखर धवन की इंडियन टीम में वापसी काफी मुश्किल हो चुकी है। दूसरे खिलाड़ी हैं ईशान शर्मा। 35 साल के ईशान शर्मा ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच नवंबर 2021 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। ये एक टेस्ट मैच था। वह टी20 टीम में 10 साल से और वनडे टीम से 7 साल से बाहर हैं। तीसरा खिलाड़ी हैं दिनेश कार्तिक। विकेटकीपर बैटर दिनेश कार्तिक ने भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में आखिरी मैच नवंबर 2022 में खेला था। आईपीएल के फॉर्म को देखते हुए कार्तिक को पिछले साल सिलेक्टर्स ने 2022 टी20 वर्ल्ड कप में मौका दिया था, लेकिन वह फ्लॉप साबित हुए। 38 साल के कार्तिक वनडे और टेस्ट टीम से लंबे समय से बाहर हैं। चौथे खिलाड़ी हैं भुवनेश्वर कुमार। अपनी स्विंग गेंदबाजी के लिए मशहूर भुवनेश्वर कुमार 1 साल से टीम इंडिया से बाहर हैं। उन्होंने आखिरी बार भारत के लिए टी20 फॉर्मेट में शिरकत की थी। वह भारत के लिए आखिरी बार टेस्ट में 5 साल पहले और वनडे में करीब 2 साल पहले खेले थे। भारतीय टीम के मौजूदा पेस अटैक को देखकर उनकी टीम में वापसी काफी मुश्किल नजर आती है। पांचवे खिलाड़ी हैं रिद्धिमान साहा। विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा करीब 2 साल से भारत के लिए नहीं खेले हैं। साल 2021 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में वह आखिरी बार खेले थे और खराब फॉर्म के चलते उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। टेस्ट में विकेटकीपर के रोल के लिए फिलहाल भारत के पास ईशान किशन, केएल राहुल और केएस भरत हैं। आने वाले समय में ऋषभ पंत की भी वापसी होगी। ऐसे में अब रिद्धिमान साहा का वापस इंडिया के लिए खेल पाना काफी मुश्किल लग रहा है। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें क्रिकेट एंड मोर के साथ। धन्यवाद।